प्रश्न बी, हमें फलन मिला है x माइनस दो की पावर 6 इंटू एक्स माइनस तीन की पावर 5 और हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने हैं। तो हमने मान लिया कि दिया गया फलन y है, y बराबर हो गया x माइनस दो की पावर 6 इंटू एक्स माइनस तीन की पावर 5, दिए गए फलन को y मान लिया। अब हम dy बाई dx ज्ञात करते हैं, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये u इंटू v का रूप है, पहला फलन लिया x माइनस दो की पावर 6, दूसरे का अवकलन 5 इंटू एक्स माइनस तीन की पावर 4 प्लस दूसरा फलन लिया x माइनस तीन की पावर 5, पहले का अवकलन 6 इंटू एक्स माइनस दो की पावर 5, ये हमें मिलता है। अब हम x माइनस दो की पावर 5 और x माइनस तीन की पावर 4 इन दोनों पदों में से कॉमन ले लेते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया x माइनस दो की पावर 5 इंटू एक्स माइनस तीन की पावर 4, ब्रैकेट में क्या मिल गया, x माइनस दो गुणा 5, 5x माइनस 10 प्लस यहां क्या मिल जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस तीन, ये हो गया 6x माइनस 6 इंटू तीन 18। सरल कर लेते हैं तो x माइनस दो की पावर 5 ऐसा कैसे आ गया, x माइनस तीन की पावर 4 ये हमें ऐसा कैसा उतार लिया, इसको सरल किया तो ये हो गया 6 और 5 11x माइनस 28, ये हमें इस ब्रैकेट को सरल करने से मिल गया। अब हम जानते हैं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पर dy by dx 0 के बराबर लेना है, तो dy by dx बराबर 0 उच्चिष्ट या निम्निष्ट पर, अर्थात ये मान शून्य के बराबर है। अब ये मान शून्य के बराबर है तो हमें x के क्या मान मिलेंगे, x बराबर मिलेगा या तो होगा 2, यहां से क्या मिलेगा x माइनस तीन की पावर 4 बराबर 0, तो x बराबर 3 और 11x माइनस 28 बराबर 0 से हमें मिलता है 28 बटे 11, x का मान 28 बटे 11। तीनों फैक्टर्स यदि 0 के बराबर हैं तो हमें x के ये मान मिलते हैं, अर्थात ये मान क्या होंगे, चरम बिंदु को दर्शाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स को दिखाते हैं dy by dx बराबर 0 पर। अब हम इन बिंदुओं पर जो कि हमने चरम बिंदु प्राप्त किए हैं, इन पर dy by dx का अध्ययन करते हैं। तो हम पहले लेते हैं x बराबर 2, जब x 2 से छोटा है, x 2 से छोटा है तो ये जो पहला फैक्टर है ये ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। ये कैसा है, इसमें पावर 4 है तो 4 पावर होने से ये सदैव धनात्मक रहेगा, ये होगा पॉजिटिव। ये कैसा होगा, 2 से छोटा होने पर x यदि 2 से छोटा है तो ये ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, अर्थात माइनस गुणा प्लस गुणा माइनस, जो कि प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो dy by dx हमें धनात्मक मिलता है। जब x 2 से छोटा है तो dy by dx हमें धनात्मक मिलता है। अब हम स्थिति लेते हैं जबकि x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 होने पर क्या होगा, ये मान धनात्मक हो जाएगा, तो प्लस चिन्ह हमें मिलेगा पहले फैक्टर से, दूसरे फैक्टर में ये पावर ही 4 है तो ये तो हमेशा धनात्मक मिलेगा। तीसरे फैक्टर को देखें, यहां हमें क्या मिलता है, मान लिया हमने 11x पे x 2 से बड़ा लिया परंतु यहां है माइनस 28 तो ये ऋणात्मक मिलेगा, इस प्रकार ये नेगेटिव हमें मिलता है, अर्थात dy by dx का मान लेस देन 0 के बराबर होगा। यदि हम 2.1 ले लेंगे तो भी ये नेगेटिव होगा, 2.2 ले लेंगे तो भी नेगेटिव होगा, इस प्रकार हमें dy by dx ऋणात्मक मिलता है, नेगेटिव मिलता है। अब हम वक्र को देखें, तो यदि वक्र इस प्रकार से है और हम इस बिंदु पर विचार कर रहे हैं तो इसके समीप जो पहला बिंदु है वो
वो बिंदु पे यदि हम टेंजेंट खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, तो ये जो कोण बनता है, ये कोण क्या होगा? ये कोण न्यून कोण होगा। आगे देखें तो ये बिंदु पे देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये कोण अधिक कोण मिलेगा, क्योंकि x की धनात्मक दिशा से अब अधिक कोण बनेगा। ये tan थीटा धनात्मक बताता है, अर्थात dy by dx जो पहला बिंदु है, उससे पहले बिंदु है, वहां dy by dx greater than zero होगा, जबकि यहां less than zero होगा। और यदि हम इसको बिंदु दो मान लें, तो ये स्थिति ऐसी ही है कि less than पर dy by dx greater than zero है। greater than zero कब है? जबकि मान छोटा है। मान जब बड़ा है तो dy by dx less than zero है, dy by dx less than zero है, अर्थात हमें ये बिंदु उच्चिष्ट मिलेगा। तो x बराबर दो पर हमें उच्चिष्ट मान मिल रहा है, x बराबर दो पर मैक्सिमा मिल रहा है, उच्चिष्ट मान मिलता है। अब हम x बराबर तीन पर अध्ययन करते हैं। तो x जब x लेस देन तीन है तो ये मान कैसा होगा? दो से तो हमें बड़ा लेना है लेकिन तीन से छोटा लेना है, तो उस स्थिति में ये ऋणात्मक हो गया। ये मान सदैव धनात्मक होगा और ये मान ऋणात्मक होगा, अर्थात dy by dx हमें क्या मिलता है? ग्रेटर देन जीरो मिलता है। और जब हम x ग्रेटर देन तीन लेते हैं, तीन से बड़ा लेते हैं, तो ये धनात्मक हो गया। ये धनात्मक है ही और ये मान तीन से बड़े होने पर धनात्मक मिलेगा, अर्थात dy by dx हमें ग्रेटर देन जीरो मिलता है। अर्थात x बराबर तीन पे हम पाते हैं कि लेस देन तीन और ग्रेटर देन तीन, इन दोनों ही स्थितियों में यहां dy by dx के मान में अंतर नहीं आ रहा है, उसका चिन्ह नहीं बदल रहा है। इसलिए x बराबर तीन पर चरम बिंदु नहीं है, x बराबर तीन पर चरम बिंदु विद्यमान नहीं है। अब हम तीसरा फैक्टर लेते हैं जिसने हमें क्या दिया है? x बराबर 28 बटे 11। तो जब x लेस देन 28 बटे 11 है, अर्थात 28 बटे 11 से अभिप्राय क्या है? 2.54। तो हमें क्या स्थिति मिलेगी? 2.54 यदि हम x का मान यहां रख दें तो यह मान धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है। ये मान क्योंकि पावर चार है सदैव पॉजिटिव रहेगा, और ये मान कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। इस प्रकार से हमें मिलेगा, अर्थात प्लस गुणा माइनस नेगेटिव हो गया, dy by dx हमें नेगेटिव मिलता है। और जब x ग्रेटर देन 28 बटे 11 है, उस स्थिति में क्या मिलेगा? ये मान हमें पॉजिटिव है, ये मान सदैव पॉजिटिव रहेगा और ये मान भी पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात dy by dx ग्रेटर देन जीरो मिलता है। अब इस स्थिति को वक्र पे समझें, तो हमें वक्र किस प्रकार से मिलता है? यदि वक्र इस प्रकार से हो तो इस बिंदु पर विचार करने पर यहां पर तो देखो नेगेटिव आएगा dy by dx, यहां पर नेगेटिव आया और इस बिंदु पर पॉजिटिव आया, इस बिंदु पर पॉजिटिव आया, क्योंकि ये कोण जो बना x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, ये क्या बतला रहा है? dy by dx पॉजिटिव, और ये जो कोण बना धनात्मक दिशा के साथ dy by dx नेगेटिव को दिखाता है। परिवर्तन कैसा हुआ? नेगेटिव से पॉजिटिव, अर्थात ये बिंदु कैसा होगा? निम्निष्ट होगा। तो x बराबर 28 बटे 11 पर हमें निम्निष्ट मिलता है, हमें न्यूनतम मान मिलता है। अब हम x बराबर 28 बटे 11 पर y का मान निकाल लेते हैं जो कि निम्निष्ट मान होगा,
y बराबर क्या हो जाएगा 28 बटे 11 पर, यहां पर y x के स्थान पर हमको क्या रखना है 28 बटे 11, तो 28 बटे 11 माइनस 2 की पावर 6 इंटू 28 बटे 11 माइनस 3 की पावर 5, कैलकुलेट किया 28 माइनस 22 कितना हो गया 6 की पावर 6, तो 6 बटे 11 11 लघुत्तम है की पावर 6 इंटू ये हो गया 28 माइनस 33 माइनस 5 माइनस 5 बटे 11 क्योंकि पावर यहां माइनस में आ रही है क्योंकि पावर यहां 5 है तो ये मान माइनस में मैं ले लूं यहां बाहर और ये हो गया 5 की बटे 11 की पावर 5 मान कितना आ गया माइनस का 6 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 बटे 11 की पावर 6 इंटू 11 की पावर 5 आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी 11 की पावर 11 ये हमारा निम्निष्ट मान होगा y का। तो इस प्रकार हमने निम्निष्ट मान y का प्राप्त कर लिया जो कि x बराबर 28 बटे 11 पर है वो है माइनस का 6 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 बटे 11 की पावर 11। उच्चिष्ट मान हमने क्या देखा है, उच्चिष्ट मान हमें x बराबर 2 पर उच्चिष्ट मान मिला है, y का मान क्या हो जाएगा x बराबर 2 पर, ये मान 2 माइनस 2 0 अर्थात 0, ये हमें उच्चिष्ट मान मिला है जो कि x बराबर 2 पर है।